तो हाँ भाई लोग, आज मैं आप लोग को दो ऐसे शॉर्ट वीडियोस के आइडिया देने वाला हूँ जिसपे अगर आपने वीडियोस को बना लिया तो इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका चैनल एक महीने के अंदर ही बूस्ट हो जाएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो वो दो कैटेगरी है वो अभी बिल्कुल बूम पे है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ वो कौन सी कैटेगरी है, मगर उससे पहले आपको थोड़ा सा पास्ट में कुछ समझना पड़ेगा जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने अपना एक चैनल पहले भी ग्रो कर रखा है शॉर्ट्स वाला, सक्सेस डोज, वो चैनल मैंने 2 महीने के अंदर ग्रो किया था और वो मेरा बहुत पुराना चैनल था और उसको भी मैंने ग्रो कर लिया था। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि चैनल ग्रो करने के लिए नया चैनल होना चाहिए, पुराना चैनल ग्रो नहीं करता है, तो ये बात झूठ है बिल्कुल भी। अगर आप लोग किसी भी चैनल पे रेगुलर वर्क करोगे तो आप लोग को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात कर लेते हैं, उस चैनल के बाद मैंने दूसरा चैनल बनाया भैया जी के फैक्ट्स, और आप लोग को जैसा कि पता ही है कि ये वाला चैनल जो मेरा है 1 महीने के अंदर ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्या किया था जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे? तो सबसे पहले आप लोग को समझने की बात यह है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे एनिमेशन बहुत ही ज्यादा चल रहा था, मतलब इतना ज्यादा नहीं चल रहा था लेकिन एनिमेशन पे बहुत ही अच्छे व्यूज आ रहे थे, और एक बार को ये कहा भी जा सकता है कि एनिमेशन को बहुत अच्छी हाइप मैंने भी दी थी। मतलब मेरी वीडियोस को देख के भी बहुत सारे लोग एनिमेशन वाली फील्ड में आए थे और उन्होंने वीडियोस को बनाना शुरू किया था, क्योंकि मेरी एक एक वीडियो 90 मिलियन, कोई 50 मिलियन, कोई 30 मिलियन इतने इतने व्यूज जा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा भी हाथ है यहाँ पे कहीं ना कहीं एनिमेशन वीडियो को ट्रेंडिंग में लाने के लिए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई, अगर हम लोग ट्रेंडिंग वीडियो किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम लोग अगर बनाते हैं वीडियोस को तो वायरल होना पक्का है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ कि अभी भी हमें ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना चाहिए। जैसे कि पहले ट्रेंड चल रहा था फैक्ट वीडियोस का, तो जो भी फैक्ट वीडियोस को अच्छे से बना के एडिट कर रहा था तो वो वायरल हो जा रही थी। उसके बाद एनिमेशन वीडियोस बहुत ज्यादा चलने लगी, जो जो एनिमेशन वीडियोस बना रहा था सबका ग्रो हो रहा था। उसके बाद आपने देखा होगा चाइनीज वीडियो पे डबिंग लोग कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा चल रही थी, है ना। वो तो अभी भी चल रही है बट वीडियोस वाली मिलती नहीं है किसी को ज्यादातर, और अगर आप लोग यूट्यूब से वो वीडियोस लोगे तो आप लोग को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अभी एक दो और कैटेगरी है जहाँ पे आप लोग को बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और ये जो टॉपिक है बिल्कुल ही बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है मिनी ब्लॉग, और दूसरा जो टॉपिक है वो है चैलेंज वीडियोस। तो देखो यहाँ पे ब्लॉग दो टाइप के होते हैं, एक तो ब्लॉगिंग होती है जो लंबी लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, वो एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे फोन पकड़ लेते हैं और उसके बाद ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। और एक जो मिनी ब्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे आपको वर्टिकली फोन पकड़ना है, जैसे कि अभी मैंने जो नॉर्मली पकड़ रखा है वैसे फोन पकड़ना है, और जो आपकी सिंपली जो दिन में जो आप छोटी छोटी जो चीजें कर रहे हैं उन सबकी क्लिप्स को रिकॉर्ड कर लेना, जो कि बहुत ही आसान है। मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने भी एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो मैं आप लोग को यहाँ पे अभी दिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। वो आप लोग को रिकॉर्ड कर लेना है और उसके बाद वॉइस ओवर आपको बाद में करना है, और जैसे जैसे आपने वॉइस ओवर किया है उसी के हिसाब से आप लोग को अपनी क्लिप्स को जोड़ देना है, बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ मैंने एक जो मिनी ब्लॉग बनाया था वो कैसा था। तो ये देखो, हम दिल्ली को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाते हैं लखीमपुर के लिए, और वहाँ पे सबसे पहले हमें मिलते हैं दिलीप चौरसिया भाई। ये है भाई की सफारी जो इन्होंने 2 महीने पहले ही ली थी। अब मैं बढ़ता हूँ भाई के घर की तरफ उनका स्टूडियो देखने के लिए। फाइनली हम स्टूडियो में एंटर करते हैं और तो हाँ, जैसे कि आप लोग ने अभी देखा मैंने अपनी छोटी छोटी क्लिप्स को रिकॉर्ड किया था और उसके बाद सिंपली वॉइस ओवर कर दिया था। तो जो हमारी दूसरी कैटेगरी थी वो है चैलेंज कैटेगरी। अब यहाँ पे आप लोग को चैलेंज अपने आप से ही चैलेंज लेना है, जैसे कि आज मैं घर पे कुछ ऊटपटांग चीज बनाने का चैलेंज लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी भी चीज को फिनिश करने का चैलेंज लेता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग को कई सारे चैलेंज वीडियो के चैनल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मिस्टर मी को, अग्नित शॉर्ट्स, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऐसे ही चैलेंज वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं और अच्छे खासे व्यूज भी छाप रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने अग्नित शॉर्ट्स के चैनल को ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने अग्नित शॉर्ट्स के चैनल को ओपन किया आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर देख सकते हो, 1.76 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और अगर हम शॉर्ट्स की बात करें तो हर एक शॉर्ट्स पे 1.4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, 13 मिलियन, 2.4 मिलियन, 3 मिलियन, 6 पॉइंट ऐसे, मतलब 11 मिलियन भी व्यूज है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो 23 मिलियन व्यूज भी है, और अगर हम लोग इनकी पॉपुलर वीडियो की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस पे लगभग 50 मिलियन व्यूज आए हैं, उसके बाद 37 मिलियन व्यूज। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में अभी कितना पोटेंशियल है और लोग इस कैटेगरी को देख रहे हैं। यहाँ पे इस कैटेगरी को इतने ज्यादा व्यूज इसलिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ पे हर सेकंड में फ्रेम चेंज होता रहता है, और अगर आपका फ्रेम चेंज होता है तो आप लोग को उतनी वीडियो देखने में इंटरेस्टिंग लगती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, वीडियो को पूरा देखोगे तो ऑडियंस रिटेंशन आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी वजह से वीडियो हो जाती है वायरल। तो यही वो दो चैनल आइडियाज थे जिन पे अगर आप लोग अभी वीडियो बनाना शुरू कर देते हो तो आप लोग काफी अच्छे खासे व्यूज भी छाप सकते हो और सब्सक्राइबर भी अच्छे अच्छे खासे गेन कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।